नारायण थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के चार फाटक रोड स्थित एक झोपड़ी में रहने वाली 80 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई। महिला की लाश बिस्तर में पड़ी थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, शरीर पर पहने हुए जेवरात भी गायब थे, साथ ही झोपड़ी का सामान बिखरा पड़ा था। महिला जिस मंदिर की रखवाली करती थी उसके दान पत्र से रुपए भी गायब थे। शनिवार को सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जिसके संबंध में सीओ कैन श्यामदेव बिंद ने बताया कि एक महिला कैलासी देवी पत्नी रामशरण निषाद निवासी बिछिया की रहने वाली है। यह मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे रहती थी और प्लास्टिक डालकर चाय और बिस्किट बेचती थी। सुबह जब देखा गया तो यह दुकान में मृत अवस्था में पड़ी मिली, जिसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैन श्यामदेव बिंद ने कहा, एक बुजुर्ग महिला है कैलासी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामशरण निषाद, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। ये मूल रूप से बिछिया थाना शाहपुर की रहने वाली हैं। यहाँ मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे प्लास्टिक डाल के रहती थी और चाय और बिस्किट बेचती थी। आज सुबह इनके दुकान में देखा गया तो मृत अवस्था में पड़ी मिली हैं। इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।